वो मेरे भैया हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे भैया कितने लंबे होंगे, कैसे दिखते होंगे, कौन से कपड़े पहने होंगे। भाई भी मानते हैं। हाँ जी, तो मैंने सोचा था कि भगवान ने व्हाइट ड्रेस पहनी होगी, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने व्हाइट ड्रेस भी पहनी थी और बहुत अच्छे दर्शन दिए उन्होंने हमें। भाई यानी कि मेरे भाई, यानी कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी मेरे बड़े भाई बहन हैं, तो मैं उनको हर साल राखी भी बांधती हूँ घर पे। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज फर्स्ट टाइम मैं आई तो अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा। जब महाप्रभु जी को आप दर्शन किए रत्न सिंहासन में, आपका आज के महाप्रभु जी आके मिला हुआ है, वो क्या मुहूर्त था? हम कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है हमारे अंदर। हम इतने एक्साइटेड, इतनी खुशी हमारे अंदर थी कि बस आप पूछो मत, इतने हम खुश थे कि आगे तो बस। कैसा चला है 2022 का अंतिम दिन है, कल से नया साल आ रहा है, तो क्या मन्नत मांगे महाप्रभु जी के 2023 कैसा कटेगा? 2023 हमारा अच्छा कटे, हम भगवान के शरण में रहें, है ना, उनकी भक्ति करते रहें, वो हमें कभी छोड़ के ना जाएं, यही मांगेंगे और क्या मांगेंगे। कोरोना महामारी को लेकर क्या प्रार्थना किया? कोरोना महामारी तो वैसे भी बार बार कह रहे हैं सारे, वैसे खत्म हो जाए तो यही अच्छा है कि कोरोना महामारी बार बार हरे कृष्ण। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित आपण शुणुते प्रतिक्रिया, चंडीगढ़ गोटे छुट्टिया झील महाप्रभु को भाई बोली मानि नहीं, कारण तर कई भाई ना, महाप्रभु श्री जगन्नाथ को सी भाई बोली मानि नहीं, बलभद्र को भाई बोली मानि नहीं, देवी सुभद्रा को भौणी रूपे मानि नहीं। निश्चित घरे रही महाप्रभु हाथ से राखी बांधन, ये छोटिया झीटटर प्रतिक्रिया थी, निश्चित ये हृदयस्पर्शी प्रतिक्रिया। बनारस ये साल का अंतिम दिन है, आज आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाँ। तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, मन प्रसन्न हो गया, मन पवित्र हो गया, बड़ा खुशी की अनुभूति हुई। हाँ, आरती देखा, हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए। नहीं, ये मतलब जब से मैं आया हूँ तब से दूसरी बार है। आरती पहली बार देखा, ये शायद नहीं, ये मेरा भाग्य है, ये भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। कैसा जाएगा 2022 तो जो भी जाएगा जाएगा, लेकिन 2023 बस प्रभु से कामना है, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और ऐसे ही इस ब्रह्मांड पे परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। मुहूर्त क्या था जब आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, आंखों से आंखों मिला? मतलब वो आंखों से बयान नहीं कर सकते, वो जब पहली बार दर्शन उनका देखा तो वो बहुत ही नायाब, बहुत ही अनूठा अनुभव था मेरे लिए, और प्रभु का दर्शन और आरती जब मैंने देखा तो बहुत ही खुशी की अनुभूति। प्लान वगैरह करके आपने आया था? हाँ, प्लान था मेरा साल में, इस बार मेरा 2 प्लान था, एक केदारनाथ का दर्शन और एक यहाँ पुरी का दर्शन, और साल के अंतिम दिन में भी प्रभु ने मुझे बुला लिया, ये प्रभु की कृपा है। मैं बनारस से इतनी दूर से चल के आया तो सब महाप्रभु के भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, प्रभु के भक्त तो दुनिया के हर कोने में हैं।